हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आगे गाइस, आपको मैं यहां पे दिखाने वाला हूं बिहार का जो है स्ट्रीट फूड। ये जो इलाका है ना, नेपाल से मिलता हुआ बॉर्डर है। यहां से कम 60 से 70 किलोमीटर जो है नेपाल का बॉर्डर है। और यहाँ का मैं आपको स्ट्रीट फूड कैसा है यहाँ का वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पे बनता है। ये देखिए, ये भाई बनाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोमदेव नाम है। आप कब से ये स्ट्रीट फूड बेच रहे हो? आप 4 साल से बेच रहे। क्या क्या है इसमें? ये चौमीन है और ये रोल है फ्रेंकी जैसा। और ये क्या है? आलू टिक्की है। और ये चाट है। चिकन और ये कैबेज है, उसमें देते हैं। और ये मुर्गी का जो है पंजा दे है। ये बॉम्बे में तो फेंक देते हैं, लेकिन ये पंजा यहाँ पे जो है मार्केट में स्ट्रीट फूड में बिकता भी है 10 रुपया पीस के हिसाब से। हाँ, और ये क्या है? ये भी चिकन का है, पकौड़ा है। हाँ, ये चिकन का पकौड़ा है। मुंबई में भी मिलता है चिकन का पकौड़ा। ये हमारे लिए क्या बनाएंगे भाई? क्या खाएंगे हम लोग? अंडा चाउमीन खाएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग अंडा चाउमीन खाएंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ का स्ट्रीट फूड का टेस्ट कैसा है। और ये भाई देखो, एक स्क्रैम्बल जो होता है वैसा स्क्रैम्बल हो रहा है ये भी। इसके बाद इसमें ये मिलाएंगे, ऑयल डाला है इन्होंने। वो कितना साफ तरीके से बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। जिसको भी खाना है भाई आ जाना। हाँ, जिसको भी खाना है यहाँ पे आ जाना। ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम क्या है? पिपला चौक है। ये मौदों से स्ट्रेट आएंगे जब किशन अंजाने के लिए, ये जगह आता है। ये मसाला वसाला नाम है विशाल चाट भंडार। और ये दुकान का नाम है इनका भाई का विशाल चाट भंडार। ये स्ट्रीट फूड है यहाँ का, बिहार का गांव में मतलब ये स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिलता है। देखते ये भाई साहब बनाएंगे, ये हमारे लिए भी बनाएंगे। अभी ये किसी और के लिए बना रहे, किसी और ने ऑर्डर दिया। अच्छा, मेरे लिए ही बना रहे हैं। चलो ठीक है भाई, हमारे लिए ही बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी टेस्ट करेंगे चाट कैसा होता है। लास्ट टाइम मैंने दूसरी जगह खाया था, वहाँ पे तो अच्छा लगा था। यहाँ का टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगेगा। और एक कस्टमर पंजा खाने वाला कस्टमर, क्या वो देख रहे हो आप? वो पंजा खाने वाला, ये खाने वाले भाई पंजा, मुर्गी का पंजा खाने वाला है। ठीक है, पूरा पंजा काड़ा कर देगा। हाँ, पंजे में ना कैल्शियम ज़्यादा होता है, समझे? आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी रहेगी ना किसी को, तो आप पंजा खाइए मुर्गे का। हाँ, बहुत सारा भाई का पंजा बिक गया। वो भाई लोग देखिए वहाँ पे पंजा खा रहा है।